अस्सलामु अलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम मस्करली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहां पर हमारे पास आ गया है वीवो का वीवो V23e। यहां पर दोस्तों ये पहली वीडियो बनने वाली है, एक्सक्लूसिव बनने वाला है। अगर शाम तक किसी की वीडियो नहीं आई तो ये फर्स्ट अनबॉक्सिंग होगी पाकिस्तान में, किसी ने भी नहीं किया अब तक। तो वीवो V23e के दो वेरियंट्स पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं, 8GB 128GB, तकरीबन 50,000 प्राइस होगी। 4 तारीख को लॉन्च है। यहाँ पर 8GB 256GB वाला वेरिएंट तकरीबन 65,000 के राउंड अबाउट आएगा। कंफर्म प्राइस नहीं है, लेकिन अगर 50,000 तक आ जाता है तो फिर डिस्काउंट करके आपको और ज़्यादा कम मिल जाएगा, कुछ वैल्यू फॉर मनी बन सकता है। देखते हैं इसमें और क्या फीचर्स हैं। दोस्तों ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की है भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बॉक्स हमारे पास है, अनबॉक्सिंग में ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बॉक्स कंटेंट्स जो है वो आपको सारे आगे चल के बता देंगे। हमारे पास 8GB 128GB वाला वेरिएंट है दोस्तों, प्राइस कुछ 50,000 के राउंड अबाउट आने वाली है। 50 से अगर ज़्यादा हो तो ओवर प्राइस हो जाएगा ये फ़ोन। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कलर है सनशाइन कॉस्ट कलर, इसके अलावा ब्लैक कलर है, उसको कुछ अजीब सा ही कहते हैं दोस्तों, मून लाइट कलर है। तो हमने रंग बिरंगा कलर सेलेक्ट किया है। जैसे ही बॉक्स को ओपन किया, बॉक्स ओपन करते ही आपको ये कुछ यूज़र मैनुअल्स मिल जाते हैं और सॉफ्ट टीपीयू केस आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है ये। चार्जर हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों, ये 44 वोट का चार्जर है, देख सकते हैं 44 वोट का, जल्दी से चार्ज कर देगा आपके फ़ोन को। उसके बाद ये हेडफोन्स आपको दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं वीवो के। आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि टाइप सी केबल है दोस्तों। साथ साथ आपको एक कनेक्टर भी मिल जाता है, यहाँ पर हेडफोन जैक को गायब कर दिया गया, उसके लिए कनेक्टर दिया गया है कि आप वो जो 3.5mm वाला हेडफोन यूज़ कर सकते हैं, सिमिलेटर टूल है। तो जल्दी से बॉक्स को समेट लेते हैं, यहाँ पर हमने फ़ोन को गायब कर दिया था। फ़ोन को हम करते हैं अनरैप। फ़ोन का कलर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे ही हम इधर उधर घुमाएंगे, यहाँ देख सकते हैं ब्लू हो गया लाइट, यहाँ पर दो कलर दिखाएगा और यहाँ पर आपको टोटल ही पिंक कलर दिखा रहा है और यहाँ पर ब्लू कलर दिखा रहा है। देख सकते हैं कलर चेंजिंग फ़ोन भी आप इसे कह सकते हैं, काफ़ी कलर चेंज कर रहा है और दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त है। डिज़ाइन के मामले में एंड स्मार्टनेस के मामले में वीवो अब तक काफ़ी ज़बरदस्त जा रहा है और यहाँ पर आपको बैक साइड से फ़ोन जो है ग्लास बैक मिलता है आपको, तो इसी वजह से आपको ये फ़ोन प्रीमियम लुक भी प्रोवाइड करेगा। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड कैमरा यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है और यहीं कहीं 4000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, इसलिए फ़ोन को स्मार्ट बनाया गया है। देख सकते हैं स्मार्टनेस काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। राइट साइड पर इस फ़ोन के पावर लॉक अनलॉक बटन दिया गया है, साथ ही वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। अप साइड पर सेकेंडरी माइक दिया गया है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए, लेफ्ट साइड ब्लैंक। डाउन साइड पर सिम ट्रे, आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाती है, साथ में आपको प्राइमरी माइक मिल जाता है, तो टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट यही है, हेडफोन जैक का भी काम करेगा। हेडफोन 3.5mm गायब कर दिया गया है और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दे दी गई है। फ्रंट पर देख सकते हैं डिस्प्ले आपको यहाँ पर नॉच वाला मिलता है, नॉच वीवो गायब नहीं कर रहा है, पंच होल की तरफ नहीं आ रहा, तो ये ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आपको फ्रंट नॉच में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, अब तक का ये पहला फ़ोन है पाकिस्तान में जो 50 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ लॉन्च किया गया, अब रिज़ल्ट देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है 6.43 इंचेस का, लेकिन फुल एचडी प्लस की आपको रेजोल्यूशन मिल जाती है और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। रिफ्रेश रेट को भी बढ़ाना चाहिए वीवो को, इस पर भी काम करना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं है अब तक, ध्यान ज़रूर देना चाहिए दोस्तों। फोन काफ़ी कलर्स काफ़ी ज़बरदस्त प्रोवाइड करेगा, एक एमोलेड पैनल है, जिस तरह V21e की सेल हुई थी, उम्मीद है 50,000 प्राइस आ गई तो उसी तरीके से ही सेल होगी दोस्तों। पर दोस्तों जादू दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट जो कि यकीनन काफ़ी फास्ट है, बहुत फास्ट दिया गया दोस्तों, काफ़ी फास्ट है। फेस आईडी का मामला देखें तो फेस आईडी भी ठीक है दोस्तों, फेस आईडी भी काफ़ी फास्ट वर्क करती है फेस आईडी। सॉफ्टवेयर यहां पर आपको चेंजिंग काफ़ी मिलेगी, एंड्रॉयड 11 पर तो मिलता ही है, लेकिन फन टच ओएस 12 वर्जन मिल जाएगा। आइकन्स वगैरह में, कलर्स वगैरह में आपको काफ़ी चेंजिंग मिलती है दोस्तों, यहाँ तो देख सकते हैं कि आइकन्स में
काफ़ी कुछ चेंज किया गया दोस्तों, ऑप्टिमाइजेशन भी थोड़ी बहुत चेंज की गई, यहाँ पर आइकन्स भी देख सकते हैं। जो प्रोसेसर है मेन पार्ट है वो है इस फोन का हीलियो G96 का प्रोसेसर दोस्तों, दमदार प्रोसेसर है। गेमिंग आप करेंगे काफ़ी अच्छी प्ले होगी दोस्तों, यहाँ पर HD में, हाई में, एंड स्मूथ में, अल्ट्रा में आप पबजी भी प्ले कर सकते हैं, हम पबजी टेस्ट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का कोई लाजमी लगाना चाहिए था, स्नैपड्रैगन यहाँ पर 720G भी बेहतर है हीलियो G96 से, 730G आ जाता, कोई और प्रोसेसर आ जाता या चेंज किया जाता तो बेहतर था। फोन के कैमरा की तरफ आते हैं, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, वीडियो मोड। वीडियो में आपको EIS का सपोर्ट मिलता है लेकिन 4K नहीं, सिर्फ 1080p में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये डिसअपॉइंट वाला मामला है, 4K कम से कम होना चाहिए। और मोर में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, हाई रेजोल्यूशन, लाइव फोटो, AR स्टिकर्स, डबल एक्सपोजर, काफ़ी ज़्यादा ड्यूअल वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाता है, काफ़ी ऑप्शन से हम इसका कैमरा टेस्ट में चेक करेंगे। लेकिन अब सैंपल ले लेते हैं लाइव, तो लाइव फोटो देख सकते हैं आप दोस्तों, रिजल्ट आपको ठीक डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आप ओवरऑल सैंपल्स में देख सकते हैं इस फोन के बैक एंड फ्रंट कैमरा के फोटोज़, तो बैक की डिटेल आपको ठीक नज़र आ रही है दोस्तों, अब तक तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस फ़ोन का कैमरा प्राइस रेंज के हिसाब से। लेकिन फ्रंट कैमरा की फ़ोटोज़ भी मैंने ली हैं, काफ़ी इंप्रूव नज़र आ रहा है इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा भी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है दोस्तों 50 मेगापिक्सल के हिसाब से। ओवरऑल कैमरा टेस्ट में हम डिटेल से चेक करेंगे इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा, तो पता चल जाएगा डिटेल। ओवरऑल लो लाइट में, डे लाइट में हमने काफ़ी फ़ोटोज़ लिए हैं दोनों से ही, फ्रंट एंड बैक से। ओवरऑल प्राइस रेंज के हिसाब से अब तक तो मुझे कैमरा इसका ठीक लग रहा है। लेकिन दोस्तों मजीद आपको कैमरा टेस्ट में बताएंगे, आपको इस फोन का फ्रंट एंड बैक कैमरा कैसी डिटेल प्रोवाइड करता हूँ नज़र आ रहा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं रिकमेंडेशन इस फोन के बारे में देना चाहूँगा कि यहाँ पर 44 वॉट की चार्जिंग, बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। डिज़ाइन को चेंज किया गया है लेकिन नॉच टेक्नोलॉजी दी गई है, नॉच को चेंज करने की ज़रूरत थी। ओवरऑल हीलियो G96 है, प्रोसेसर को भी चेंज करना चाहिए था, 30 से 35 हज़ार की प्राइस में हमें मिल रहा है हीलियो G96, अगर एमोलेड लगा दिया था तो 40-42 तक प्राइस होनी चाहिए थी, ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा 45 तक प्राइस होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ बड़ा चेंज नहीं किया गया, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है तो वैसा कैमरा नहीं नज़र आया मुझे, लेकिन कैमरा टेस्ट में आपको बता दूंगा आपको ये फ़ोन कितनी प्राइस में सही रहेगा अगर डिस्काउंट के साथ मिले, या आपकी इस फ़ोन के बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्या ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं, 50 हज़ार से ऊपर बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।